पूरा पूरा ये व्हाट इज दिस व्हेल 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 जो पानी में समुद्र में देखिए ना उसका भाई पूरा यहाँ पे कंकाल रखा हुआ है वो दिखाता हूँ अभी आपको। नीचे जो मेन चीज है वो यहाँ पे भाई ये मतलब 1000 साल पुरानी जितनी भी मधुमक्खी है मक्खियां जो भी मच्छर है ना सारे 1000 साल पुराने हैं। ये देखो भाई इन्होंने सारे एक एक संभाल के रखे हुए देखो क्या बात है सारों पर पर्ची लगा रखी है। हाय कहते कितने आ गए कहते सांच ही बर्फ जल्दी अंदर सा ही औखा आ रहा उदा बाकी बहुत बढ़िया है यार। अभी मैं आ गया एयरपोर्ट के बाहर टाइम हो गया 11:30 एक दो फोन कॉल किए भाई ठंड ज्यादा है भाई -40 डिग्री के अंदर आपका भाई बाहर घूम रहा है और कुछ नहीं मेरे पैरों की उंगलियां ठहरेगी बाकी सारा कुछ ओके नो प्रॉब्लम। निकलते ही बस स्टॉप है बस भी आ गई भाई बस मतलब जल्दी आ रही है ज़्यादा टाइम नहीं लगाती भाई। वो फाइनली पहुंच गया हूँ हॉस्टल पे अभी आया मैंने सोचा पहले शॉट ले लूँ एक ये हॉस्टल है ये 2 दिन का 900 चार्ज करेगा मैंने बुक नहीं किया है अभी आके देखता हूँ बात करूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ भाई एक स्टोर के अंदर जाना पड़ा मेरे को क्योंकि मेरा हाथ पैर सुन्न हो गए मेन बात थी मोबाइल भी आंखें मारने लग गया मोबाइल भी झपकने लग गया मैंने कहा यार अंदर चलते नहीं तो अगर सारा कुछ स्विच ऑफ हो गया ना फिर तो पंगा हो जाएगा पहुँच ही नहीं पाऊँगा हॉस्टल पर। तो गूगल मैप के थ्रू मैं यहाँ पर आ गया एक दो जगह पूछ के भी आया तो चलता हूँ हॉस्टल के अंदर अभी ठीक है। ये 2 दिन के प्राइस यहाँ पे 900 रूबल है हॉस्टल आपको पता चली जाएगा अच्छा ही होगा यार। तो अभी हॉस्टल के अंदर आ गया हूँ और पहले तो आप मेरे को देख लीजिए ये पहन रखा है मैंने भाई पूरा और मेरे प्रॉब्लम आ रही है शूज़ की ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मेरे को 1 दिन का प्राइस बताया 600 मैंने कहा नहीं यार 900 तो मैंने इनको दिखा दिया 2 दिन का मेरे को ऑनलाइन शो हो रहा है पर मैंने बुक नहीं किया मैंने सोचा चलो इनके फ़ायदा हो जाएगा कैश दे दूँगा बुकिंग डॉट कॉम में सीधा चला जाएगा इसलिए उनको क्या फ़ायदा होगा इनको क्या फ़ायदा होगा तो मैं यहाँ पे सीधे आ गया बिना बुक किए अभी देखते हैं क्या होता है अच्छा ही होगा भाई। पहुँच गया हूँ या कुछ हॉस्टल के अंदर पहुँच गया हूँ भाई और हॉस्टल वाले थोड़े से यार यहाँ के चालू से बंदे हैं कैसे मैंने इनको बुकिंग डॉट कॉम पर आके दिखा दिया मैंने कहा आपके हॉस्टल का प्राइस है 900 रूबल 2 रात के ठीक है। तो इन्होंने बोला नहीं हम तो 600 रुपये चार्ज करते हैं 1 रात के मैंने कहा यार ये तो गलत बात है चलो मैंने कहा कोई नहीं मैं बुकिंग डॉट कॉम से बुक कर लेता हूँ तो मैं बुक करने लगा 1 रात का इन्होंने चेक ही दिया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैंने 1 रात का यहाँ पे कर दिया और बाकी अगली रातों के लिए मैं यहाँ से ऑनलाइन बुक कर दूँगा ठीक है। वही हॉस्टल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा दिमागी से तेज़ बोते हैं ठीक है। ये अपना बेड मिला है अपने को ठीक है बढ़िया अकेला ही लगता मेरे को रूम में कोई है नहीं ये इधर बालकोनी है बालकोनी के अंदर आप बाहर का भी देख सकते हो एकदम पूरा मज़े वाला है तो अच्छा है हॉस्टल की कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को पसंद है हॉस्टल तो बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल है भाई ये तुम बात पर थोड़े से तेज़ है अगर आप आओ तो booking.com से पहले बुक करके ही आना मैंने सोचा इसलिए क्योंकि आर्मेनिया में ऐसी चीज़ है वो बोलते हैं भी booking.com वालों को पैसे क्यों देने अगर आप हॉस्टल में आते हो तो डायरेक्ट हमें दे दिया करो नो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है पर यहाँ पे ये नहीं किया इन्होंने। बाकी दूसरी बात इन्होंने बिल बकायदा बिल दिया यार 600 डॉलर का ऑनलाइन बिल दिया मतलब पेपर सीध नहीं दी पेपर लिख के नहीं दिया ऑनलाइन मतलब प्रिंटेड बिल निकाल के दिया तो मे बी इनके रूल हो यहाँ पे तो आर्मेनिया की अलग बात है ये तो रशिया ना भाई तो चलो कोई बात नहीं होता रहता है। और अभी मैं वहाँ से वॉक करके आया भाई मेरे को पता तसल्ली हो गई चलो उन्होंने टॉवल टूवल मेरे को सब कुछ दिया एक बात तो ये है बाकी दो दो सॉक्स देखो दो दो लोअर पहन रखी है मैंने और दो दो ही सॉक्स पहन रखी है ये देखो भाई ठीक है। और ये सारे भी उतारूँगा फिर भी पैर पता ठहर रहे थे क्यों ठहर रहे थे क्योंकि पता क्या यार ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर पैर एकदम लाल हो गए थे भाई पर चलो अभी यार लोअर भी दो दो पहन रखे हैं दो दो सारे कपड़े दो दो पहन रखे थे ठंड तो थोड़ी लग रही थी शूज़ मेरे को यहाँ से मेरे को लग रहा है बाय करने पड़ेंगे नहीं तो मैं पैदल ज़्यादा नहीं चल सकूँगा इधर क्योंकि पैदल इधर चलना है तो थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा सेंटर सेंटर में तो शूज़ होने अच्छे चाहिए तो चलो देखते हैं बिकॉज भाई यहाँ पे ठंड है इतनी ज़्यादा सांस ले रहा हूँ ना तो सांस के अंदर ठंड जा रही है तो अभी हम गाड़ी में आए हैं अपना भाई मिला है काउचसर्फिंग में अपना ब्रदर नमस्ते ब्रदर या नमस्ते माय नेम इज इजिन 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 अपना भाई है काउचसर्फिंग के थ्रू मेरे को यहाँ पे मिले हैं तो मैं हॉस्टल में रुका हूँ पर इन्होंने मेरे को यहाँ पे म्यूजियम पे लेके आए हैं पहले दिन ही तो आपको दिखाएंगे अभी म्यूजियम तो बहुत ही अच्छा मैं इतना एक्साइटेड हूँ यार इतना मतलब ठंड में घूमने के लिए पूछो मत यार मेरा तो बहुत दिल करता है घूमने का तो नेक्स्ट टाइम अभी हमने प्लान किया था थोड़ी बातें की थी अभी मैं ओमिया कॉम आपको पहले बता दिया मैं जाऊंगा नहीं
नेक्स्ट टाइम अपने भाई ने बोला है भी हम इकट्ठे चले, क्योंकि यार बाहर ठंड बहुत है, मैं सांस ले रहा हूँ ना तो वो सीधी जा रही है अंदर, तो प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी देखो क्या व्यू है। इट्स ओल्ड बिल्डिंग्स, ओल्ड स्टेचू। दिस वन? नो, दिस ओल्ड होम फॉर रिक्रूटियन पीपल। ओह, दिस वन? या ओह, दैट्स नाइस। या, इट्स अ रशियन चर्च। ओह, दिस इज रशियन चर्च। या, ओके, दैट्स नाइस। दिस म्यूजियम नेम इज यारोस्लावस्की। यारोस्लावस्की? या, स्टैचू फ्रॉम यारोस्लावस्की, ही इज अ साइंटिस्ट। ओके, तो भाई जो ये स्टैचू है ना, ये यारोस्लावस्की है, साइंटिस्ट है, उनका म्यूजियम है यहाँ पे, उनका स्टैचू लगा हुआ है। बहुत ही खुला व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे कवर करने के लिए, नहीं तो डर जाऊँगा भाई। भाई अभी मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे म्यूजियम में आते ही एक 16 साल की, पता नहीं कितने साल की लड़की है, उसका मम्मी है, उसकी डेड बॉडी सीधी रखी हुई है, शादी के बाद में उसकी डेथ हो गई थी। और उनका यहाँ पे ये देखो भाई, कंकाल रखा हुआ पूरा सेम जैसे था ना वैसे रखा हुआ, यहाँ पे कुछ फोटोज भी लगी हुई है। तो देखो भाई यार, ये मेरे को आते ही पहला इंप्रेशन दिया। और ये भी कोई जानवर है, और जानवर का ये मतलब पूरा रखा हुआ है हड्डी में। अब अपना भाई आएगा, वही एक्सप्लेन करेगा, अपने को है नहीं इतना, ठीक है, तो वो बताएंगे अपने को। तो भाई एक हाथी का जहाँ पे बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, ये छोटा है, ये देखो पूरा मतलब म्यूजियम के अंदर हाथी रखा हुआ है, ये हाथी के दांत है। दिस इज ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल है भाई ये देखो, ठीक है। तो हाथी का है, व्हाट वी कॉल लाइक इन योर लैंग्वेज दिस? मामद। मामद, मामद, मामद है ये, तो अच्छा लगा मोहम्मद भी। व्हाट इज दिस? टीथ। ओह, टीथ। या, वो तो ये भाई दांत है मोहम्मद के। वाह, ये इनकी खाल है, लेजर, लेदर बोलते हैं लेदर। तो ये बाल है, देखो भाई क्या बात है, ये बाइजन के, ये देखो भाई रोक की याद आ रही है क्या इसको देख के, रोक रोक साइन। तो ये भी अच्छा लगा भाई, ठीक है। तो एंड दिस इज अ हॉर्स। ओह भाई, पूरा घोड़ा मतलब पूरा घोड़ा। दिस इज आफ्टर फ्रोजन, आफ्टर इट्स अ सेरेमनी आफ्टर द वेडिंग, दे से मम्मी इन फर्स्ट स्टेज इज अ विद यंग गर्ल्स विद हॉर्स। ओह, तो भाई जो नीचे लड़की थी ना उसकी मैरिज के बाद में ये घोड़ा ना, वो ही मतलब आफ्टर ही डाइड। Yeah, after its ceremony, girls and horse were with you, your she's clothes, after underground. Ah, okay, तो भाई उनको दाब दिया था, जमीन में गाड़ दिया था जो लड़की थी, और उसको उसके बाद में ये घोड़ा बना हुआ, ठीक है। उसके बाद में ये देखो भाई, शमन, it's a religion, Yakutian religion. Oh, शमन। ओह, दिस वन? या, तो भाई जिसे अपने चंग नहीं होता जो होली, जैसे सेम लाइक इन इंडिया यू नो होली, आई डोंट नो, देयर इज अ फेस्टिवल होली व्हिच इज, दिस इज आल्सो लाइक दे आर, इट्स अ लेजर। या, इट्स लेजर। या, हां, या, एंड दिस इज सेम लाइक यकुतिया। या, या, यकुतिया स्टाइल बनाया हुआ भाई ये। तो देखो भाई म्यूजियम है, अच्छा है, इट्स अ बॉक्स। तो ये देखो भाई पूरा एकदम एंड किया हुआ काम। एक घोड़ा है, घोड़ा यहाँ पे आपको लगेगा जिंदा, ये देखो ऐसे, ये जिंदा नहीं है घोड़ा, ये मतलब आर्टिफिशियल है, पर जो इसके ये पड़ा है ना बाल बूढ़े हैं, ये सारे मतलब यार जिंदा की तरह ही है, लगाए हुए एकदम बढ़िया। तो मैं देखते पहले आपको लगता है ना, आपको भी देखो लुक लाइक लाइव, तो मैं भी पहले ये होगा, तो अच्छा लगा भाई। ये देखो भाई ओल्ड या कुचिया स्टाइल में ऐसे घर बना के ऐसे रहते हैं, छोटे छोटे कुर्सियाँ पड़ी है सोने के लिए, ऐसे बेड है, वो देखो ताई लगी है काम करने के लिए। ये देखो भाई ये भी जिंदा, दिस इज ऑल्सो लुक लाइक लाइफ। तो भाई ये गुड, देखो भाई क्या बात है, ये देखो नाइस, सो नाइस। तो ऐसे म्यूजियम में देखो भाई चीज़ संभाल के रखी हुई है एकदम बढ़िया बड़ी। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। इट्स तो पूरा ऑल याकूट्स लाइक शो हियर इन म्यूजियम। ओह वाह,
तो भाई पूरा याकूत में क्या क्या चीज़ है सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है आपको, मैं दिखा देता हूँ अभी। तो भाई एक चीज़ बताऊँ मैं, अभी मेरे को यहाँ पे दिखे मतलब साइबेरियन डियर दिखे, उनके जो दांत है ना, दांत जो सेम जैसे वेम्पायर नहीं होते एक एक जैसे वे वैसे वाले दांत है भाई। अभी आपको थोड़ा सा दिखेगा इसके, देखो भाई ये देखो उल्लू वॉल्फ। तो ये मेन चीज़ ये होती है अभी। No, I think also big in Yakutia. Yeah, yeah, in Arctic side, very big, maybe yeah. In here. They are very harmful, but yeah. Very scared. Yeah, yeah. It's a rabbit, scared for wolf. Oh. And this same, like... This is also scared from this, right? Right. So, why ye dekho. Wo bhi dar raha hai isse. Matlab kisse? Isse wolf se. Ye dekho. मेरे को अजीब डर लग रहा है। आई टच देन आई फील स्केरी बिकॉज इट्स लुक लाइक इट्स। तो भाई ये देखो पंछी, इसके बारे में आ गए पंछी। ये लुक लाइक लेक डक्स, या लेक, या देखो लेक में आर्टिफिशियल। तो ये सारी इट्स ऑटम, इट्स ऑटम सीजन डक्स वेयर फ्लाइट एंड रिफ्ट अनदर कंट्रीज the same, you know, it's a goose. तो भाई अभी आपको दिखाऊंगा भालू की, कभी खाल नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी आज तक, तो आज आपको दिखाई देते हैं। ये भाई भालू की खाल देखो पूरी, और ये देखो इग्लू बना हुआ है, जो हॉट इग्लू होते हैं जो ये होता है हॉट इग्लू बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे है। और ये देखो बारहसिंगा बोलते हैं जो बारहसिंगा, वो है भाई ये बारहसिंगा। तो अच्छा लगा, तो कैसे लगा भाई अपना इग्लू? नाइस ना, ऐसे होते हैं भाई इग्लू, पर अपने कुछ डिफरेंट करेंगे थोड़ा सा लगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लाइक डक, बड़ी बड़ी बतकें देखो, कि हाथ लगाना टच करना नहीं करना इनको, बाकी आप दूर से देख सकते हो, पर मैंने दो तीन को कर लिया भाई, आप मत करना जब आप आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जरूर आना, यहाँ पे एक मतलब आपको कल्चर दिखेगा, आपको जो याकूत्स का है ना वो कल्चर दिखेगा, कल्चर आप देखना पसंद करते हो जरूर आना यहाँ पे भाई। तो भाई जो ये मोमेंट्स बना हुआ है ना, जो ये बड़ा हाथी जैसा लुक है, ये कम से कम यहाँ पे लिखा हुआ है 13,000 से 15,000 साल पुराना है। और ये एक जो होता है ना वो भाई 6,000 किलो का ये हाथी होता था। तो अभी तो है ही नहीं, जो लास्ट मिला था लास्ट में है, ये बच्चा है, ये कोई बड़ा नहीं है, इससे भी बड़े बड़े होते थे। तो क्या बात है यार, तो फिर अभी चलते हैं। तो अभी आ गए हैं म्यूजियम से बाहर, और म्यूजियम की जो फीस है ना, जो बोलते हैं ना कितने रुपए लगते हैं, 300 रुपए लगेंगे भाई। तो जरूर आना, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक आते थे ना तो म्यूजियम में आते ही आपको 300 रुपए में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो भाई 300 रुपए मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, तो मस्ट विजिट। तो अभी आप जाते हैं दो पुरानी बिल्डिंग के पास, एक पूरा पूरा है वेल जो पानी में समुद्र में देखिए ना उसका भाई पूरा यहाँ पे कंकाल रखा हुआ है, वो दिखाता हूँ अभी आपको। तो भाई जो इसके अंदर है ना ये पूरी बड़ी वेल का मतलब कंकाल रखा हुआ है यहाँ पे यार, क्या बात है, बहुत बड़ा म्यूजियम रखा हुआ है, एक छोटा और एक बड़ा, दो रखे हुए, देखो भाई कितने बड़े हैं, है ना। तो हर चीज इन्होंने संभाल के रखी है यार, कि इनके लिए स्पेशल बनाया है इन्होंने। उस साइड में वो म्यूजियम है, ये यहाँ पे छोटे चर्च है, और यहाँ पे जो वेल है वो है। तो अभी आपको लेकर जाता है यरोस्लाव की हाउस है, ये छोटा वहीं पे है, और इसके अंदर चलो भाई। ये देखो पहले तो आपको दिखाता हूँ ये टाइगर, ये भी लुक लाइक ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल लाइक या हर चीज, हर चीज भी भाई इन्होंने ओरिजिनल ही रखी हुई है। देखो चित्ते की है, चित्ता है टाइगर। तो भाई ये जो टाइगर है ना, ये 1,200 साल पहले यहाँ पे मतलब याकूत्स में आया था, और इन्होंने मतलब यहाँ के सिटीजन ने इसको यहाँ पे जो इनको इसको कट किया मतलब इसको मार दिया, और मार के उसके बाद में इसके मतलब पूरा म्यूजियम में रख लिया, सेव करके रखा इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा, हाँ तो इन्होंने इस ये बहुत घोड़ों को मारता था और ये बहुत बड़ा था ना इसीलिए। तो ये देखो आपको पता ही लग रहा हो कितना बड़ा है इस टाइगर। भाई ये जो रूम है ना, इस रूम में जो भी सामान पड़ा है ना, ये यरोस्लाव की, ये उसकी बेटी थी और वो वहां पे लगी है फोटो, वो उनकी वाइफ थी और वो उनका बच्चा था।
तो ये ओरिजिनल ही सामान सारा उनको रखा हुआ था। ये देखो सारा कुछ, ये भी शूज भी उन्होंने देखो कितने बड़े बड़े शूज थे उन्होंने सारे रखे हुए और ओरिजिनल सारा कुछ। तो अच्छा है भाई, संभाल के हर चीज रखी हुई है। देखो क्या बात है, लालटेन भी। तो ये है भाई, ये यारोस्लावस्की का बेटा था, वो मतलब जर्नल लगा हुआ था और उन्होंने पूरा मतलब यहाँ पे किया है देखो, और पूरी टोपी टूपी लगा है, ये बैकग्राउंड सीन भी दिया रखा उनका और उस साइड में दिया हुआ देखो। अब पायलट, तो ये पायलट था भाई फ्लाइट फ्लूड का, तो उड़ाता था जहाज जो उड़ाता था ये बंदा, अच्छा है। तो भाई जो ये जो आपको दिखाया था ना, हाथी दिखाया था, उसका जो छोटा बच्चा था यहाँ पे रखा हुआ है, जो बड़ा बच्चा है ना वो सेंट पीटर्सबर्ग में रखा हुआ है। और ये पुरानी फोटो है, जिसे डगेरो स्टाइल फोटो आपको पता नहीं होगा ना, जिसको पता नहीं है तो भाई पता कर लो क्या है, डगेरो स्टाइल फोटो भी हुआ करती थी, वो ऐसी ही हुआ करती थी भाई। ये मतलब भालू के डियर मतलब हिरण के बालों के लिए इसे बनाया हुआ इन्होंने, और कितने किसने मारे हैं उसके हिसाब से ये रखी हुई, जितने मारे उनकी माला बना लेते थे, ठीक है। वो साहब के कपड़े थे सारे कपड़े, ये ग्लाउज है, और नीचे जो मेन चीज है वो यहाँ पे भाई, ये मतलब 1000 साल पुरानी जितनी भी मधुमक्खी है, मक्खियां जो भी मच्छर थे ना, सारे 1000 साल पुराने हैं। ये देखो भाई, इन्होंने सारे एक एक संभाल के रखे हुए, देखो क्या बात है, सारों पर पर्ची लगा रखी है। तो यहाँ पे एक और बनाया भाई हाउस, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए जाना जाता है, तो इसमें रखा हुआ है सामान सेकंड वर्ल्ड वॉर का, तो वो आपको दिखाते हैं अभी। तो ये आपको दिखाई दे रहा ना, ये चीज है जो, ये एक गुड़िया है, मतलब जिसको डॉल नहीं बोलते वो है। और जब यहाँ पे बताते थे भी, पहले क्या होता था भी, जो याकूत थे ना उनके जो बच्चे है वो एक्सपायर हो जाते थे, छोटे जन्म लेते ही मर जाते थे, तो उनके सारे कपड़े पड़े यहाँ पे, उसका बताता हूँ, मर जाते थे तो वो बच्चे को लेके जाते थे, पता नहीं किसके पास लेके जाते थे, बताया था मेरे को, मैं भूल गया यार। तो वो उसको मतलब इस डोल के अंदर उसको बच्चे को बनवा के ले आते थे, फिर उसको पालते थे। तो ये उसका एक सिंबल बनाया हुआ है यार, क्या बात है।